आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। जनपद संबल पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जनपद संबल पुलिस अधीक्षक ने चार संभालते ही अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कहा था कि अपराधी चाहे जो भी हो, किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा थानों का निरीक्षण कर आदेशित भी किया गया था अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आज पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चंदोसी के कुशल नेतृत्व में जनपद संबल में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबर की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक बहजोई ने मैं पुलिस टीम और एसओजी टीम द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने ले जाते हुए अभियुक्त राहुल को अवैध शस्त्रों के साथ बिजली मोड़ पर गिरफ्तार किया है, जबकि इनके पास से बहुत भारी मात्रा में चीजें भी बरामद की गई है। वहीं इनके दो साथी भागने में सफल रहे। अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की गई 25 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि हम लोग और हमारे भागे हुए साथी काफी दिनों से NCR, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में आसपास के विभिन्न जनपदों से मोटरसाइकिलें मॉल, बैंक, अस्पताल आदि वाले भीड़भाड़ स्थानों से चोरी कर कर लाते थे और ग्राहक की डिमांड के अनुसार 5,000 से 15,000 रुपए में बेच देते थे, जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था। आज भी हम लोग चोरी की मोटरसाइकिलों को बेचने के लिए संबल जा रहे थे कि आपने हमें पकड़ लिया। हम विभिन्न स्थानों से चोरी कर मोटरसाइकिल खाली निर्जन स्थानों पर छुपा कर खड़ी कर देते थे और हम अपने आस पास नाजायज असले भी रखते थे जो आपके द्वारा हमसे बरामद कर लिए गए हैं। मोहम्मद इमरान के साथ मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आज थाना बहजोई के द्वारा करीब 25 चोरी की वाहन जो बाइक है उनको बरामद किया गया है। इसमें दो आरोपी जिनका नाम राहुल और रफाइस है, इनमें से एक संभल का रहने वाला है, एक मुरादाबाद का रहने वाला है, इनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कुल 17 बाइक को हम लोग अभी तक ट्रेस कर चुके हैं जो विभिन्न जनपदों की हैं। उनके मालिकों को बुलाकर माननीय न्यायालय के आदेश के पश्चात उनको सौंपी जाएंगी। इन दोनों को गिरफ्तार करते समय इनके पास से दो तमंचे और चार कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनको उचित धाराओं में FIR पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। सर, कहां पर इनके तार जुड़े हुए हैं? इनके तार इनके जो अभी जो और गिरोह है उसके बारे में जांच चल रही है और जल्दी इसमें आपको बताया जाएगा। कितने बेचे थे बाइक? कुल 25 बाइकों को बरामद किया गया है, जिनमें से 17 अभी तक ट्रेस की जा चुकी है।